आयत 30-31 में अल्लाह के रसूल के शिकवे का बयान है। अल्लाह के रसूल अल्लाह की बारगाह में ये फरियाद करेंगे कि या रब इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआना महजूरा, ए मेरे रब मेरी इस कौम ने इस कुरान मजीद से हिजरत इख्तियार कर ली थी, इस कुरान मजीद को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया था, इसको छोड़ दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आला किरदार अपनी कौम के सामने पेश किया, उनके सामने कुरान मजीद उतर रहा था, उनके सवालात और उनके एतराजात के जवाब दिए जा रहे थे, उसके बावजूद ईमान नहीं लाए। और अल्लाह के रसूल को किस कदर जहनी और जिस्मानी अजियत दी, आप अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेंगे। तो असलन तो यहां लफ्ज आया है कौम का, यानी अल्लाह के रसूल की असल फरियाद और शिकवा किससे है, अपनी कौम से है। लेकिन मैंने यहां पर शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हाशिया लिखा है वो भी यहां पे लिख दिया है, लिखते हैं कि आयत में अगरचे मस्कूर सिर्फ काफिरों का है, तहम कुरान की तस्दीक ना करना, उसमें तदब्बुर ना करना, उस पर अमल ना करना, उसकी तिलावत ना करना, उसकी तसीह किरात की तरफ तवज्जो ना करना, उससे एराज करना, उससे एराज करके दूसरी लघवियात या हकीर चीजों की तरफ मुतवज्जे होना, ये सब सूरतें दर्जा बदर्जा हिजरान कुरान यानी कुरान को छोड़ने के तहत में दाखिल हो सकती हैं। अल्लाह हमें कुरान मजीद के हवाले से अपनी तमाम जिम्मेदारियां अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आपने अगर किसी भाई या बहन ने डॉक्टर साहब की वो किताब नहीं पढ़ी मुसलमानों पर कुरान मजीद के हकूक, तो वो जरूर पढ़ने चाहिए। कुरान मजीद दुनिया में भी हमारे लिए फैसला कौन है, हमारी इज्जत या जिल्लत का दार मदार इससे ताल्लुक पर है, और असल आखिरत में भी कुरान या हक में गवाह होगा या खिलाफ गवाह होगा। तो अगर हम चाहते हैं कुरान हमारे हक में गवाह बने तो हमें कुरान मजीद के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए, इसको पढ़ना, इसको समझना, इसकी तालीमात के ऊपर जाती जिंदगी में अमल करना, इज्तमाही जिंदगी में इसके अहकामात के निफाज के लिए जिद्दोजहद करना, और उसके बाद इसकी तालीमात को दूसरों तक पहुंचाना। बड़ी मारकतदारा किताब है डॉक्टर साहब की, मुसलमानों पर कुरान मजीद के हुकूक। आयत